सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो यार, आज बात करते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने मेकअप बॉक्स में वो हर एक प्रोडक्ट भर लेते हैं जो भी हमें सामने दिख जाता है, जो कि सही नहीं है। हमें वही प्रोडक्ट रखना है जो हमारे यूज का है, और कम से कम प्रोडक्ट रखने हैं बट सही प्रोडक्ट। अब बात ये आती है कि हम वो सही प्रोडक्ट चूज कैसे करें। तो आज इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे मेकअप के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही एज अ बिगनर हमें उस मेकअप बॉक्स में रखना। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे मेकअप बॉक्स में होना चाहिए वो एक अच्छा प्राइमर होना चाहिए। ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर है, बहुत अफोर्डेबल है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। एज ए बिगनर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे पोर्स को अच्छे से फिल कर देता है, हमारे फेस को मैटिफाइंग लुक देता है और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का होता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपके मेकअप बॉक्स में होना चाहिए वो एक अच्छा अफोर्डेबल प्राइमर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे मेकअप बॉक्स में होना इंपॉर्टेंट है या हमारे पास होना इंपॉर्टेंट है वो है एक ऐसा सीसी क्रीम या तो फिर फाउंडेशन आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लैक्मे का फिटमी फाउंडेशन ले रही हूँ इन द शेड 228। ये मेरे स्किन टोन से एकदम परफेक्ट मैच करता है। इसमें बहुत सारे शेड आपको मिल जाएंगे। देखो, अगर आप एक बिगिनर हो, यंग एज के हो, बहुत पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके का सीसी क्रीम जरूर ले लो। एवरीडे के लिए परफेक्ट होता है, पार्टी के लिए भी अगर आप एक थिक लेयर अप्लाई कर लो तो परफेक्ट हो जाता है। मैंने अपने फेस पे ये सीसी क्रीम ही अप्लाई किया है, यू कैन सी द रिजल्ट। ओके, सो नेक्स्ट है कंसीलर। तो कंसीलर मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ले रही हूँ। ये बहुत 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 ही अच्छा कंसीलर है, मैं आपको हाईली रेकमेंड कर रही हूँ। यार अगर आप बिगनर हो, यंग एज को हो, टीनएजर्स हो, आपके पास कम पैसे हैं, तो आप इस पे इन्वेस्ट करो। बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाएगा और हाईली 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 रिकमेंड है मेरी तरफ से। सो अभी हमारा बेस मेकअप हो गया, उससे सेट करने के लिए कोई कॉम्पैक्ट पाउडर या कोई लूज पाउडर तो चाहिए ही रहता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे मामा अर्थ का लूज पाउडर लिया है, यही मैं यूज करती हूँ। एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता है। इस तरीके के लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ओके, सो अब बात करते हैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट की। तो मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का लेस ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा लिया है। ये बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल मस्कारा है। सो मुझे मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मैं मेकअप नहीं भी करती हूँ तो मैं एक टिंट और मस्कारा लगा के चली जाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। सो मस्कारा तो एक होना ही चाहिए आपके मेकअप बॉक्स में। देखो यार, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लाइनर, मुझे उतना नहीं पसंद है, बट पहले बहुत ही ट्रेंड में था लाइनर। तो जिसको जिसको पसंद है लाइनर, वो अपने मेकअप बॉक्स में एक लाइनर जरूर रखे। और मैं यहाँ पे बस आपको दिखाने के लिए साइड से एक कॉर्नर निकाल रही हूँ। ओके, सो हम इंडियंस की पहचान काजल, वो तो एक मेकअप बॉक्स में होना इंपॉर्टेंट है ही है। क्या होता है कि हम डेली बेसिस पे काजल नहीं अप्लाई करते, बट ओकेजनली जरूर हम काजल लगाना प्रेफर करते हैं। तो एक काजल जो है वो हमारे मेकअप बॉक्स में होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको दो काजल दिखाया, एक माइग्लैम का, एक लैक्मे का, दोनों बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। ओके, सो लिप लाइनर होना है मेकअप बॉक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि अगर आप लिप को डिफाइन करना चाहते हो, तो अगर आप एक लिप लाइनर लगा लेते हो लिपस्टिक के लगाने से पहले, तो लिप बहुत ज़्यादा डिफाइन लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। ओके, सो लिप लाइनर के बाद हम देखते हैं लिपस्टिक को। तो तीन तरीके की लिपस्टिक आपके पास होनी चाहिए। ब्राउन न्यूड लिपस्टिक आप इस तरीके से ले सकते हैं, पिंक न्यूड लिपस्टिक आप इस तरीके का ले सकते हैं, और एक रेड ब्राइट लिपस्टिक होनी चाहिए ओकेजनली आपको यूज़ करने के लिए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का पिंक न्यूड सेट, ये बहुत ही प्यारा सा कलर है। और लिप लाइनर के बाद आप लिपस्टिक दे सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम बात करते हैं आई शैडो, हाइलाइटर और ब्लशर पैलेट के लिए। तो ऐसा पैलेट लो जिसमें आपका सब एक साथ आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये ब्यूटी ग्लेज्ड का पैलेट, इसमें हर एक कलर आपको मिल जाएगा। आप इससे ब्लश लगा सकते हो, हाइलाइटर लगा सकते हो, और आई शैडो की तो बात ही मत करो। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे एक हाइलाइटर दिखाया है वेट एंड वाइल्ड का, ये बहुत ही अच्छा और मेरा फेवरेट हाइलाइटर है। सो मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रही हूँ कितना अच्छा पिगमेंटेशन है। मैं आपको ये सब कैसे बता रही हूँ, आपके दिमाग में ये सब चीजें आएंगी। मैं भी वहीं से आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता था, मुझे इवन ये नहीं पता था कि मेकअप प्रोडक्ट में होता क्या क्या है। मैं एक लिपस्टिक जानती थी, एक काजल जानती थी, जो मैं बचपन से मम्मी को देखती हुई आ रही थी कि हाँ मम्मी ये लगाती है तो यही मेकअप है, एक फेयर एंड लवली जानती थी। धीरे धीरे करके जब मैं बड़ी हुई, मैंने बहुत चीज़ें देखा, मैंने यूट्यूब से कितना कुछ सीखा, और ये जो भी कुछ मुझे आ रहा है वो यूट्यूब की बदौलत ही है। इतने ही प्रोडक्ट को यूज़ करना, बट स्मार्टली यूज़ करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो। अगर थोड़ी सी भी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।